मुरादाबाद की सूरज का जन्म हुआ। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित माउंट एवरेस्ट विजेता अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही रवि कुमार ने दुनिया की अनेक चोटियों पर भारत की आन बान शान और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराकर संपूर्ण विश्व में अपने देश प्रदेश और शहर मुरादाबाद का नाम रोशन किया। माउंटेनियर रवि कुमार फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में मुरादाबाद के साहसवीर रवि कुमार जी की 34वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज पर्वतारोही रवि चौक पर धूमधाम से उनके जन्म उत्सव को मनाया गया। लोगों ने रवि कुमार जी के आदम्य साहस और उनकी वीर गाथा को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रवि कुमार के पथ प्रदर्शक एवं मार्गदर्शक अमित कुमार घोष IAS अपर सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने वीडियो कॉल करके केक सेरेमनी में हिस्सा लिया और कहा कि प्रिय रवि की उपलब्धियां तथा योगदान और स्मृतियां सदैव अमर रहेंगी। रवि को भूल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कपिल कुमार ने कहा कि रवि कुमार जी के योगदान को मुरादाबाद वासी सदैव अपने हृदय में सजाए रखेंगे। नेपाल सिंह पाल ने कहा कि रवि जी का जीवन हमेशा प्रेरणादायी रहा है। रवि के पिता हरकेश सिंह रवि को याद करते हुए भावुक हो गए। संस्था के सचिव में मनोज कुमार ने सभी का आभार व्यक्त किया। मीडिया प्रभारी गौरव कुमार, रमेश कुमार, आदित्य कुमार, आर के भारत, सुनील कुमार, ऋषभ देव सिंह, नीतू सक्सेना, रविता पाल, विवेक कुमार, प्रिंस चौहान, सूर्य प्रताप सिंह, किशन लाल बनवारी, लाल नेहा शर्मा, राष्ट्रीय अधिकारी राकेश सैन सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं, भाई रवि कुमार एक ऐसा नाम जो विश्व विख्यात है, आज उन्हीं का जन्म दिवस है, पर्वतारोही रवि कुमार जी का। और हम ये जो जन्म दिवस है निरंतर लगातार मनाते हुए आ रहे हैं। आज रवि जी का 34वां जन्म दिवस है, जो कि हम सभी लोगों ने मिलकर बड़ी ही धूमधाम के साथ आज पर्वतारोही रवि चौक पर उनका सम्मान कर माल्यार्पण कर ये कार्यक्रम का शुरुआत की है। तो जैसे कि रवि कुमार जी ने बलिदान दिया है और जिला मुरादाबाद का नाम रोशन किया, मुरादाबाद का ही नहीं भारत का भी नाम रोशन किया है, तो आप और आम जो लोग हैं उन्हें जागरूकता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा संदेश यही है, ज़्यादा से ज़्यादा युवा पर्वतारोहण से जुड़े, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं हमारा यूथ ज़्यादातर नशे की ओर जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे भारत के युवा को राष्ट्र का नशा लगे, पर्वतों का नशा लगे, जिससे कि वो जो युवा पीढ़ी है हमारे राष्ट्र के काम आए। अपने जिले को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा जिले को बस यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यूथ माउंटेनिंग की ओर मूव करे, ट्रैकिंग करे और फिट इंडिया के अकॉर्डिंग चले। अगर हमारा भारत का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहेगा तो देश ऑटोमेटिक हमारा विकसित हो जाएगा।